अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेरे जावेद फ्राम जैसी वाइट्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शॉर्मे के अंदर जो वाइट सॉस डलती है उसकी रेसिपी। बहुत इजी और बहुत क्रीमी सी ये रेसिपी है, बहुत मज़ेदार से शॉर्मा बनता है। मैं इंशाल्लाह शॉर्मे की रेसिपी आगे भी अपलोड करूंगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप इसको फ्रिज में काफ़ी देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने लेना है हाफ कप मायोनीज का, कोई सा भी मायोनीज आप बाज़ार से ले सकते हैं या घर में आपने मायोनीज बनाया वो ले लें। साथ आपने लेना है 1/4 कप दही का, यानी योगर्ट 1/4 कप लेनी है। उसके अंदर आपने 5 क्लोव्स ऑफ लहसुन, यानी 5 जवे लहसुन के आपने डालने हैं। साथ आपने नमक ऐड करना है, इसके अंदर 2 पिंच नमक ऐड करना है। इसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून लेमन जूस का। इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया। सारा कुछ आपने ब्लेंडर के अंदर ऐड करना है क्योंकि हमें इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। साथ मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून सिरके का, यानी विनेगर का, 1 टीस्पून ओरिगानो का, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें। ओरिगानो के लीव्स लिए थे मैंने, ड्राई लीव्स, वो ऐड किए। और मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1/8 कप सफ़ेद तेल, यानी सेसमी सीड्स जो होते हैं 1/8 कप, 2 टेबल स्पून के करीब आपने वो ऐड करने। इसके अंदर मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया, दूसरा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल का मैंने इसमें ऐड किया। इसको आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है जब तक कि एक पेस्ट नहीं बन जाती, और इसको आप निकाल के किसी भी चीज़ के अंदर स्टोर कर लें। आप इसको फ्रिज के अंदर 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं, किसी एयरटाइट जार में स्टोर कर लें। मैं आगे आपको शॉर्मे की रेसिपी बनाना बताऊँगी, आप उसके अंदर ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। थैंक यू।